जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। कैसे हो भाई लोग? आज है मंडे और मंडे को मैं रिलीज करता हूं ये वीडियो जहां मैं आपको इस वीक में हो रही सारी वेब सीरीज और मूवीज की इन्फॉर्मेशन देता हूं, चाहे वो ओटीटी पे आ रही हो, चाहे वो सिनेमा में आ रही हो। कौन सी वेब सीरीज आ रही है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी मुझे नाम मिलता है वो सब कुछ मैं थोप देता हूं वीडियो में, ताकि आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस लैंग्वेज में कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों एक वीडियो मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों अब ये वीडियो में आपको सब कुछ कवर करके दे रहा हूं जो इस हफ्ते रिलीज होने वाला है। और अगर यहां पर मैं कुछ मिस कर गया हूं जो आप रिक्वेस्ट करना चाहते थे, तो दोस्तों मैं दूर नहीं हूं। आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मैं भी इंस्टाग्राम यूज करता हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में और मेरे अबाउट मी सेक्शन में दोनों में अपना इंस्टाग्राम का हैंडल डाल चुका हूं। साथ में टेलीग्राम भी मेरा अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। बस वहां आ जाना, मुझसे बात कर लेना, तो फिर काम हो जाएगा, अपना अपनी सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। एनीवेज वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अब बताते हैं कि इस हफ्ते आपको क्या कुछ रिलीज होकर देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा सुन लेना। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले 18 सितंबर की रिलीजेज जो हो चुकी हैं उनके साथ, जहां दोस्तों दगड़ी चौल जो कि एक मराठी मूवी है, इसे अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है कल से। इसी के साथ साथ दोस्तों बेला शुरू जो कि एक बंगाली फैमिली ड्रामा मूवी है, इसे भी हॉयचॉय के प्लेटफॉर्म पर अब बंगाली लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ फ्रॉम पनामा विद लव जो कि जावेद जाफरी की एक शॉर्ट फिल्म है, इसे भी दोस्तों अब डिज्नी हॉटस्टार के चैनल पर रिलीज कर दिया गया है 18 सितंबर को। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की 19 सितंबर के साथ। तो दोस्तों 19 सितंबर को एक वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है कॉलेज कांड। ये एक हरियाणवी क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो कि स्टेज ओरिजिनल्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, और कहानी है एक कॉलेज के प्रिंसिपल के मर्डर की और उससे रिलेटेड सस्पेंस की। और इस सीरीज को दोस्तों वैसे तो 20 सितंबर को रिलीज किया जाना है स्टेज ओरिजिनल्स के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हरियाणवी लैंग्वेज में इसे दोस्तों 19 सितंबर की रात जैसे ही 12 बजेंगे तभी रिलीज कर दिया जाएगा, और इसका एक ट्रेलर भी ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब बात करूं दोस्तों 20 सितंबर की रिलीजेस की, तो एक वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है डूड का सीजन 2। दोस्तों इसका सीजन 1 जो है डाइस मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था, और उसके बाद इस सीरीज को अब अमेजॉन प्राइम को सेल कर दिया गया, यानी कि डूड का सीजन 2 आपको अब अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। कहानी है एक डिटेक्टिव की जो कि एक बैफलिंग केस को जो है हैंडल कर रहा है, और उसके ज़िंदगी में किस तरीके से उतार चढ़ाव आते हैं इस केस के साथ, ये आपको दोस्तों ड्यूड सीरीज़ में देखने को मिलता है। ड्यूड सीजन 1 और सीजन 2, सीजन 1 जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और सीजन 2 अब अमेजॉन प्राइम पे रिलीज़ होगा, और इसे रिलीज़ किया जाएगा 20 सितंबर से अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ साथ एक और सीरीज़ 20 सितंबर को रिलीज़ होने जा रही है जिसका नाम है रीबूट। ये एक हुलू ओरिजिनल 8 एपिसोड कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जिसे हुलू के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाएगा 20 सितंबर से। बात करूं 21 सितंबर की, तो सबसे बड़ा रिलीज है स्टार वॉर्स एंडोर जो कि एक अपकमिंग डिज्नी ओरिजिनल 12 एपिसोड साइफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, और दोस्तों कहानी आपको जुड़ी हुई मिलेगी रॉग 1 अ स्टार वॉर्स स्टोरी से, लेकिन इसे देखने की जरूरत नहीं आपको इस सीरीज को देखने से पहले, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर्स का पता होगा तो आपको सीरीज देखने में ज्यादा मजा आएगा। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि इस मूवी को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में रिलीज किया जा रहा है, और डिज्नी हॉटस्टार पर इसे रिलीज किया जाएगा 21 सितंबर को। इसी के साथ साथ रुकी कॉप्स, ये एक डिज्नी ओरिजिनल साउथ कोरियन कमिंग ऑफ एज रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जिसे दोस्तों डिज्नी हॉटस्टार पर हिंदी और कोरियन दो लैंग्वेजेस में 21 सितंबर से रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों डिजाइनिंग मायामी, ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 8 एपिसोड रियलिटी टीवी शो है जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में 21 सितंबर से रिलीज किया जाएगा। बात करूं 22 सितंबर की, तो हश हश, ये एक नई वेब सीरीज़ है जो कि एक रिलेशनशिप बेस्ड ड्रामा सीरीज़ है। कहानी है 5 औरतों की और उनकी ज़िंदगी में कैसे अलग अलग रस्तों से एक साथ मिलकर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे इनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। और लीड में आपको देखने को मिलेंगी जूही चावला, आयशा झुलका, सोहा अली खान, करिश्मा ताना और कृति कामरा। और दोस्तों इस मूवी को, इस सीरीज़ को अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाएगा हश हश को 22 सितंबर से। और इसी के साथ साथ द कर्दर्शन सीजन 2 जो कि एक रियलिटी शो है, इसे डिज्नी हॉटस्टार पर 22 सितंबर से रिलीज़ किया जाएगा। और दोस्तों द लिस्ट, ये एक शॉर्ट हिंदी फिल्म है जिसकी लीड में कीर्ति कुलाड़ी और अंगद बेदी, और इसे अमेजॉन मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पे 22 सितंबर से रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन 22 सितंबर की एक बड़ी सीरीज़ है जो रिलीज़ होने जा रही है जिसका नाम है थाई केव रेस्क्यू जो कि नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, और इसे दोस्तों नेटफ्लिक्स पर 22 सितंबर को रिलीज़ किया जाएगा। ये एक लिमिटेड सीरीज़ है जो कि एक रेस्क्यू मिशन है थाई केव का, जिसके टोटल 6 एपिसोड्स होंगे और ये रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, और ये हिंदी में रिलीज़ होगी या नहीं अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है।
दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 23 सितंबर की। पहले बात कर लेते हैं वेब सीरीज़ की। सबसे बड़ी वेब सीरीज रिलीज है 23 सितंबर की जामतारा का सीजन 2, जिसकी लीड में अमित सियाल, दिव्येंदु भट्टाचार्य। और दोस्तों कहानी है स्मॉल टाउन के कुछ लड़कों की, जो किस तरीके से फिशिंग ऑपरेशन करके पैसा इकट्ठा करते हैं और अब कैसे पॉलिटिशियंस और पुलिस उनके घेरे में आ चुकी है। इसका सीजन 1 दोस्तों नेटफ्लिक्स पर ऑलरेडी अवेलेबल है और एक काफ़ी अच्छी सीरीज है ये। और अब इसका सीजन 2 रिलीज होने जा रहा है 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। अब बात कर लेते हैं 23 सितंबर की OTT मूवीज़ की। तो पहले बात करते हैं अतिथि भूतोभव की, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इसे Z5 के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों रिलीज़ किया जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। लीड में आपको देखने को मिलेंगे जैकी श्रॉफ और प्रतीक गांधी, और ये आपको 23 सितंबर को देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ बबली बाउंसर, ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। कहानी है तमन्ना भाटिया की और लीड में आपको सौरभ शुक्ला भी देखने को मिलेंगे। बबली बाउंसर मूवी Disney+ Hotstar पर रिलीज़ होगी और दोस्तों इसकी लीड में आपको तमन्ना भाटिया देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ लव, ये एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगू और इंग्लिश, इन सभी लैंग्वेजेस में एक साथ दोस्तों रिलीज़ किया जाएगा 23 सितंबर को। इसके साथ साथ इतना, ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगू, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेजेस में 23 सितंबर को रिलीज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों विश्वासम, जो कि एक साउथ इंडियन मूवी है, ये टीवी प्रीमियर करने जा रही है 23 सितंबर की रात को 8 बजे से। ये भी आपको सोनी मैक्स पे देखने को मिल जाएगी। काफ़ी सारी पंजाबी मूवीज़ दोस्तों 23 सितंबर को रिलीज़ हो रही हैं, जैसे कि छल्ले मुंडियां, ये एमी विर्क की लीड में बनी मूवी है। इसे सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट OTT रिलीज आ रहा है। तो छल्ले मुंडियां आपको 23 सितंबर को अब सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ सौर्यां दा पिंड आ गया, ये एक रोमांटिक ड्रामा फैमिली बेस्ड मूवी है, जिसको दोस्तों Z5 के प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर किया जा रहा है। ये मूवी पहले सिनेमाज में रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब इसे Z5 पर इसका OTT प्रीमियर होने जा रहा है। इसी के साथ साथ SHO शेर सिंह, इस मूवी को दोस्तों चौपाल TV के प्लेटफॉर्म पर पंजाबी लैंग्वेज में 23 सितंबर से रिलीज कर दिया जाएगा। अब बात करूँ कुछ साउथ मूवीज़ की, तो थिरुरु चित्रम्बलम, ये एक तमिल मूवी है जिसकी लीड में धनुष, और ये गुड सिनेमा रन कर रही है इस टाइम पे। अब इस मूवी को दोस्तों 23 सितंबर को रिलीज़ किया जा रहा है सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर भी। नेटफ्लिक्स का भी कंफर्मेशन नहीं आई है, पर मोस्टली ये नेटफ्लिक्स पे भी साथ ही रिलीज होने जा रही है। कन्फर्म नहीं है, लेकिन सन नेक्स्ट का इसका रिलीज़ कन्फर्म है और वहाँ इसे तमिल, तेलुगू, कन्नड़ा और मलयालम सभी लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ रिलीज़ किया जाएगा। तो अगर आप धनुष की थिरुरु चित्रम्बलम मूवी का वेट कर रहे थे, तो अब आप इसे सन नेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पर 23 सितंबर से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ डायरी, ये एक क्राइम थ्रिलर तमिल मूवी है जिसे आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर किया जा रहा है 23 सितंबर को। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, जिसे दोस्तों आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पर तेलुगू लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। 23 सितंबर की सिनेमा रिलीजेज भी बहुत सारी हो रही हैं। बात करें सिनेमा रिलीजेज की, तो चुप एक स्टोरी है साइकोपैथ किलर की, जो कि कुछ फिल्म क्रिटिक्स को टारगेट करके उनके मर्डर कर रहा है जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है, और हर हफ्ते किसी फिल्म क्रिटिक का मर्डर होता है। अब दोस्तों चुप मूवी में आपको देखने को मिलेगी लीड में सनी देओल और उसके साथ डलकर सलमान, पूजा भट्ट और श्रेया धन्वंतरी। और दोस्तों इस मूवी को सिनेमाज में अब रिलीज किया जाएगा 23 सितंबर को। इसी के साथ साथ धोखा अराउंड द कॉर्नर, ये एक हाउसवाइफ की कहानी है, जो फिलहाल एक हॉस्टेज सिचुएशन में है, और क्यों उसके पीछे उसके हस्बैंड का हाथ है या नहीं, या फिर कोई और ही कहानी है, ये आपको धोखा अराउंड द कॉर्नर में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो मूवी है, इसकी लीड में आपको देखने को मिलेंगे आर माधवन, अपार शक्ति खुराना और दर्शन कुमार। और धोखा अराउंड द कॉर्नर का ट्रेलर भी आउट हो चुका है और ये मूवी सिनेमाज में 23 सितंबर को आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ प्रेम गीत 3, ये एक नेपाली मूवी है जिसे पैन इंडिया रिलीज दिया जा रहा है, यानी कि इंडिया में इसे हिंदी में भी रिलीज किया जा रहा है। और दोस्तों प्रेम गीत 3 एक एपिक स्टोरी है, जो कि किंगडम की कहानी है, जहां पर प्रेम और गीत दो कैरेक्टर्स के ऊपर एक कहानी बेस्ड है। और प्रेम गीत जो है 23 सितंबर को सिनेमाज में रिलीज होगी। इसी के साथ साथ कृष्णा वृंदा विहारी, ये एक तेलुगु मूवी है, रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जिसे सिनेमाज में 23 सितंबर को रिलीज किया जा रहा है। और नेबर्स, ये एक मराठी रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जो सिनेमाज में आपको देखने को मिलेगी 23 सितंबर से। और क्रिमिनल, ये एक पंजाबी क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे सिनेमाज में दोस्तों 23 सितंबर से रिलीज़ किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और मराठी एक्शन ड्रामा मूवी राड़ा, ये भी दोस्तों आपको सिनेमाज में 23 सितंबर से देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी अपडेट। अब इसमें से कुछ मिस कर गया हूँ, भाई इंसान गलती किससे होती है, इंसान से ही तो होती है। तो अगर कुछ मिस कर गया हूँ और जो आप जानना चाहते थे कि यार ये अपडेट रह गई, वो मुझे इंस्टाग्राम कर देना, ताकि वो मैं अपडेट आपके लिए निकाल लूँ। और मेरे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन तो है ही ना, यूट्यूब ने किस लिए दिया है, जो भी मन में लिख देना। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।